हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशीष वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर लॉ, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर। आज हम LLB थर्ड ईयर पेपर 3.5 पैनोलॉजी, विक्टिमोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस अर्थात दंड शास्त्र, प्रपीडन शास्त्र एवं न्यायिक विज्ञान विषय पर चर्चा करेंगे। पेपर 3.5 के अंतर्गत हमारे द्वारा पैनोलॉजी अर्थात दंड शास्त्र, विक्टिमोलॉजी अर्थात प्रपीडन शास्त्र, फॉरेंसिक साइंस अर्थात न्याय विज्ञान के विभिन्न प्रावधानों पर अध्ययन किया जाना है। हमारे द्वारा पैनोलॉजी अर्थात दंड शास्त्र के एक महत्वपूर्ण प्रावधान पैरोल पर चर्चा प्रारंभ की जा चुकी है। पेरोल के अंतर्गत पिछले व्याख्यानों में हमारे द्वारा पेरोल के कुछ महत्वपूर्ण शीर्षकों पर चर्चा की गई है, जिनमें पेरोल का सामान्य अर्थ, पेरोल की परिभाषा, पेरोल के तत्व, पेरोल का स्वरूप, पेरोल पद्धति का उद्भव एवं विकास, भारत में पेरोल व्यवस्था, भारत में पेरोल बोर्डों का गठन एवं कार्य, पेरोल की शर्तें, पेरोल की अवधि एवं पेरोल का उल्लंघन शीर्षकों पर हमने विस्तृत चर्चा कर ली है। आज के व्याख्यान में हम पेरोल से संबंधित अन्य कुछ महत्वपूर्ण शीर्षकों पर चर्चा प्रारंभ करने जा रहे हैं। आज जिन शीर्षकों पर हम चर्चा करेंगे वे हैं पेरोल के आधारभूत सिद्धांत, पेरोल मार्गदर्शिकाएं, पेरोल की सफलता, पेरोल व्यवस्था के गुण तथा पेरोल व्यवस्था के दोष। अब सबसे पहले है पेरोल के संबंध में शीर्षक पेरोल के आधारभूत सिद्धांत। पेरोल एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा कारागार व्यवस्था में मानवीयता का सिद्धांत लागू किया गया है। इसके अंतर्गत कारावासियों को कुछ शर्तों सहित बाहरी समाज में विचरने का अवसर प्रदान किया जाता है। पेरोल के उद्देश्यों का उल्लेख अखिल भारतीय जेल मैनुअल समिति की रिपोर्ट के पैरा 101 में किया गया है, जो निम्नानुसार है। पहला, कारावासियों को अपना पारिवारिक जीवन यथावत बनाए रखने में सहायता करना ताकि वे अपनी पारिवारिक समस्याओं को सुलझा सके। दूसरा, कारावासियों को लंबे कारावासी जीवन की बुराइयों से बचाना तथा तीसरा, कारावासियों में आत्मविश्वास जागृत करना तथा उनमें जीवन के प्रति रुचि उत्पन्न करने का प्रयास करना। पेरोल के संबंध में अगला शीर्षक है पेरोल मार्गदर्शिकाएं। इस संबंध में दिल्ली प्रशासन ने 17 फरवरी 2010 को पेरोल संबंधी कतिपय मार्गदर्शक नियम अपनाए ताकि पेरोल हेतु कारावासियों से प्राप्त आवेदनों पर पारदर्शिता के साथ निर्णय लिया जा सके। पेरोल का मूल उद्देश्य यह है कि कारावासी का अपने परिवारजनों से संपर्क बना रहे और उसकी अनुपस्थिति के कारण परिवार टूट न पाए। किसी परिवारजन की मृत्यु, विवाह आदि अवसर पर भी कारावासी को उसमें शामिल होने हेतु पेरोल स्वीकार की जा सकती है। इस मार्गदर्शिका के अनुसार पेरोल के दो मुख्य प्रकार हैं, पहला अभिरक्षा पेरोल तथा दूसरा नियमित पेरोल। जहां तक अभिरक्षा पेरोल की बात है, अभिरक्षा पेरोल पर कारावासी को इसलिए छोड़ा जाता है ताकि वह परिवार में विवाह, बीमारी या मृत्यु आदि में सहभागी हो सके। परंतु कारावासी को अभिरक्षा पेरोल पर छोड़े जाने के पूर्व कारागार अधीक्षक से
यह अपेक्षा की जाती है कि वह संबंधित संबंधित पुलिस थाने से संपर्क कर स्थिति की वास्तविकता का पता लगाए और कारावासी की प्रार्थना सही पाए जाने पर उसे पेरोल पर छोड़े। ऐसे पेरोल की अवधि 6 घंटे से अधिक की नहीं होगी तथा इस पेरोल की अवधि को कारावधि की का ही एक भाग माना जाएगा। इसी प्रकार जब नियमित पेरोल की बात आती है तो नियमित पेरोल के अंतर्गत कारावासी तभी पात्र होता है जब उसने कारागार नियमों के अनुसार कम से कम 1 वर्ष की अवधि पूरी कर ली हो और इस दौरान उसका आचरण संतोषजनक रहा हो। ऐसे कारावासी जो खतरनाक हो और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संकट उत्पन्न कर सकते हो पेरोल पर छोड़े जाने के पात्र नहीं होते हैं। नियमित पेरोल की अवधि साधारणतया एक समय में 1 माह से अधिक नहीं होगी, तथापि विशेष परिस्थितियों में यह अधिक हो सकती है, परंतु इसका उल्लेख पेरोल आदेश में किया जाना अनिवार्य होगा। पेरोल अवधि में कारावासी पर उचित शर्तें अधिरोपित की जा सकती हैं और स्थानीय पुलिस को निगरानी हेतु निर्देश दिए जा सकते हैं। पेरोल के संबंध में अगला शीर्षक है पेरोल की सफलता। पेरोल व्यवस्था का उद्देश्य कारावासियों के प्रति ढिलाई की नीति अपनाना ना होकर समाज को उनसे संरक्षण दिलाना है। अतः पेरोल व्यवस्था की सफलता निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। पहला, पेरोल पर रिहा किए गए अपराधियों पर सतर्कता से नियंत्रण रखा जाए जिससे उनके द्वारा जन सुरक्षा के विरुद्ध आचरण करने पर उन्हें पुनः जेल भेजा जा सके। दूसरा, पेरोल पर रिहा किए गए अपराधियों को रोजगार धंधे में एवं उनके शोषण के विरुद्ध सहायता करके उन्हें रचनात्मक कार्यों में लगाया जाए। तीसरा, पेरोल व्यवस्था की सफलता और असफलता के लिए टेफ्ट महोदय ने निम्नलिखित तथ्य बताए हैं। पहला, प्राय ये देखा गया है कि शारीरिक अपराध करने वाले कारावासी संपत्ति संबंधी अपराध करने वाले कारावासियों की तुलना में पेरोल के लिए अधिक उपयुक्त होते हैं। दूसरा, ऐसे पेरोली जिस पर परिवार का भार होता है पेरोल की शर्तों का उल्लंघन बहुत ही कम करते हैं। तीसरा, पेरोल पर किए जा रहे आधुनिक अनुसंधानों ने यह सिद्ध कर दिखाया है कि प्रत्यावर्ती कैदियों को पेरोल पर रिहा कर दिए जाने पर वे पेरोल की शर्तों का पालन नहीं करते, अतः उन्हें कारागार में वापस भेजना आवश्यक हो जाता है। इसके विपरीत नव अपराधियों को पेरोल पर छोड़े जाने का अनुकूल प्रभाव पड़ता है और वे स्वयं को समाज में सरलता से समायोजित कर लेते हैं। चौथा, समाज के उच्च वर्गीय लोग पेरोल शर्तों का पालन दक्षता से करते हैं। पांचवा, पेरोल के संबंध में वास्तविक नीति यह होनी चाहिए कि केवल उन्हीं कारावासियों को पेरोल पर छोड़ा जाना चाहिए जिनका झुकाव सदाचरण की ओर हो और वे अपने भावी जीवन को सुधारने की इच्छा रखते हों और इस कार्य हेतु पेरोल पर रिहाई की पात्रता का निर्धारण करने हेतु पेरोल बोर्ड के सदस्यों का इस कार्य में प्रशिक्षित होना अत्यंत आवश्यक है। इस प्रकार उपरोक्त तथ्य डोनाल्ड टेफ्ट के द्वारा पेरोल की सफलता और असफलता के बारे में बताए गए हैं। अब है चौथा, पेरोल के समय अपराधी की निगरानी
एवं सहायता दोनों को ही समान महत्व दिया जाना चाहिए। पांचवा, पेरोल की सफलता या असफलता बहुत कुछ कारावासी की पारिवारिक परिस्थितियों पर निर्भर करती है। छठा, पेरोली की सामाजिक परिस्थिति का भी पेरोल की सफलता पर पर्याप्त प्रभाव पड़ता है, क्योंकि सामान्यतया ये देखा गया है कि सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से संपन्न तथा शिक्षित उच्च वर्गीय कारावासी पेरोल नियमों का अनुपालन पूरी दक्षता से करते हैं, और इसके पीछे मुख्य कारण यह है कि उनके द्वारा किए गए अपराध अधिकतर भावावेश या उत्तेजना के कारण हो जाते हैं, जिसके लिए उन्हें बाद में स्वयं ही पश्चाताप होता है और आत्मग्लानि के कारण वे स्वयं दुखी होते हैं। सातवा, कभी कभी पेरोल पर छोड़े गए कारावासी इस छूट का परित्याग करके सजा की अवधि पूरी होने तक कारागार में रहना ही अच्छा समझते हैं। कारावासियों द्वारा पेरोल की सुविधा का परित्याग किए जाने के दो मुख्य कारण हो सकते हैं। पहला ये कि उनकी कारागार से अंतिम मुक्ति अति निकट होने के कारण वे यह पसंद नहीं करते कि वे केवल कुछ दिन पहले छोड़े जाने के लिए पेरोल बोर्ड के कर्तव्य बने रहें। दूसरा, पेरोल की अवधि में उन पर पर्यवेक्षकों का निरंतर नियंत्रण रहने के कारण वे यह मानते हैं कि समाज को उनके प्रति विश्वास नहीं है और वे इसे स्वयं के प्रति लांछनास्पद मानते हुए पेरोल की सुविधा का परित्याग करके सजा की अवधि पूरी हो जाने पर ही रिहा होना उचित समझते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ परिवार विहीन कैदी कारागार के वातावरण से इतने घुल मिल जाते हैं कि उन्हें कारावधि पूरी होने के पहले पेरोल पर छोड़े जाने में कोई रुचि नहीं रहती है। इस प्रकार पेरोल बोर्ड को पेरोलियों के केस रिकॉर्ड रखने तथा उन पर निर्णय लेने के दोहरे कार्य करने पड़ते हैं, जिन्हें डगलस ग्रांट ने सूचना समाहर्ता यानी इंफॉर्मेशन कलेक्टर तथा विनिश्चायक अर्थात डिसीजन मेकर्स कहा है। पेरोल की सफलता के लिए इन दोनों में परस्पर तालमेल होना आवश्यक है। पेरोल के अंतर्गत अगला शीर्षक है पेरोल व्यवस्था के गुण। पेरोल व्यवस्था के निम्नलिखित गुण है। पहला, पेरोल अपराधियों को कारागार में अच्छे व्यवहार की प्रेरणा देता है, क्योंकि पेरोल पर उन्हीं अपराधियों को छोड़ा जाता है जिनका कारागार में जीवन अच्छा रहता है, और इससे अपराधियों पर अच्छे व्यवहार की छाप लग जाती है और वे सोचते हैं कि अच्छे व्यवहार से भी जीवन बनता है। दूसरा, पेरोल की सुविधा के कारण ऐसे अपराधी जिन्हें प्रसंगवश जेल में आना पड़ा है, वे कारागार के दूषित वातावरण से शीघ्र मुक्ति पा सकते हैं तथा वे सामान्य पारिवारिक जीवन में लौट सकते हैं। तीसरा, पेरोल कारागृह जीवन की लंबी अवधि को कम करता है तथा पेरोल द्वारा एक अपराधी की सजा कम करके उसे अभ्यस्त अपराधी बनने से बचाया जा सकता है। चौथा, पेरोल पर छोड़े गए कारावासियों के प्रति समाज का रुख उतना कठोर नहीं होता जितना कि पूरी सजा काट लेने के बाद लौटे कैदी के प्रति होता है। पांचवा, पेरोल पर छोड़े जाने योग्य कारावासियों का चयन वर्गीकरण समिति द्वारा किया जाता है, जो पेरोल बोर्ड के समक्ष ऐसे कारावासियों की सूची विचारार्थ
प्रेषित करती है जिन्हें पेरोल पर छोड़ा जा सकता है। छठा, पेरोल व्यवस्था की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि संभवतः यह है कि इनसे अनेक परिवार टूटने से बच जाते हैं। सातवां, कारागारों में कारावासियों की संख्या को कम करने के लिए कैदियों की पेरोल पर रिहाई एक अच्छा विकल्प है। आठवां, पेरोल की अवधि में पेरोली पर पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण उसे जीवन के सही मार्ग पर चलने के लिए बाध्य करता है, जिससे सामाजिक सुरक्षा बनी रहती है। नौवां, पेरोल से कारोबारों पर होने वाले व्यय में कमी से राज्य का आर्थिक भार भी कम हो जाता है, क्योंकि सजा की समाप्ति से पूर्व ही कारावासी का छूट जाना खर्च को कम कर देता है। पेरोल के संबंध में अगला टॉपिक है पेरोल व्यवस्था के दोष। पेरोल व्यवस्था के निम्नलिखित दोष हैं। पेरोल व्यवस्था का सबसे बड़ा दोष यह है कि इससे सामाजिक सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि यदि भूलवश या कारागार के कर्मचारियों की मिलीभगत के कारण किसी अयोग्य अथवा अपात्र कारावासी को पेरोल पर मुक्ति मिल जाए, तो ऐसे पेरोली समाज में पुनर्वासित होने के बजाय पुनः आपराधिकता की ओर अग्रसर हो सकते हैं, जिससे समाज को खतरा उत्पन्न हो सकता है। दूसरा, अनेक अपराधी कारागार में अपनी आपराधिक मानसिकता में बिना कोई परिवर्तन किए केवल मात्र पेरोल पर मुक्ति की लालसा की वजह से अपना आचरण एवं व्यवहार अच्छा रखते हैं, ताकि पेरोल पर रिहा होने के बाद पुनः आपराधिक कार्यों में लिप्त हो सके। तीसरा, राजनीतिक हस्तक्षेप पेरोल का सबसे महत्वपूर्ण दोष है, क्योंकि पेरोल बोर्ड एक प्रशासनिक संस्था होने के कारण उसके सदस्यों पर राजनीतिक दबाव, भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार आदि का शिकार होना विशेष आश्चर्य की बात नहीं है। अतः उनके निर्णय निष्पक्ष एवं सद्भावनापूर्ण न होकर स्वार्थ प्रेरित भी हो सकते हैं। ऐसी दशा में पेरोल पर रिहा किए गए अपात्र एवं अयोग्य पेरोली समाज में पुनर्वासित होने के बजाय अपनी रिहाई का अनुचित फायदा उठाते हुए पुनः आपराधिकता की ओर प्रवृत्त हो सकते हैं। यह पेरोल व्यवस्था की असफलता का सूचक है। चौथा, प्रशासनिक दृष्टि से भी पेरोल में कई बुराइयां हैं, जैसे कि अधिकारियों में प्रशिक्षण का अभाव या अधिकारियों में कर्तव्य निष्ठा का अभाव या अधिकारियों के अधीन पेरोलियों की संख्या अधिक होने से उन पर व्यक्तिगत तौर पर ध्यान नहीं दे पाना। पेरोल, पांचवा, पेरोल अपराधी की सजा ही कम कर सकता है, उसमें सुधार नहीं, क्योंकि कैदी कहे जाने का कलंक उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है तथा समाज की उपेक्षा का उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। छठा, ऐसे कारावासी जिनकी रिहाई निकट है वो पेरोल पर रिहा होना पसंद नहीं करते, क्योंकि इस रिहाई के परिणाम स्वरूप उन पर पेरोल अधिकारियों का नियंत्रण एवं मार्गदर्शन बना रहेगा, इसलिए वे कुछ समय और जेल में रहकर पूर्ण रूप से बंधन मुक्त रिहा होना अधिक अच्छा समझते हैं। सातवां, पेरोलियों को अभी भी समाज में संवेदना से नहीं देखा जाता है।
इसलिए उनको कार्य प्राप्त करने और समाज में स्वयं को बनाए रखने में अपार कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और पुलिस भी इनके प्रति सहिष्णु नहीं रहती है और जेलों में इन्हें बंद रखने की आकांक्षी होती है। इस प्रकार आज हमारे द्वारा पेनोलॉजी अर्थात दंड शास्त्र के एक महत्वपूर्ण प्रावधान पेरोल के विभिन्न शीर्षकों पर चर्चा की गई, जिसके अंतर्गत आज हमने पेरोल के आधारभूत सिद्धांत, पेरोल की मार्गदर्शिकाएं, पेरोल की सफलता, पेरोल व्यवस्था के गुण तथा पेरोल व्यवस्था के दोष पर चर्चा की। धन्यवाद।